यह मन नैक न कहो करे यह मन यह मन नैक ना कहो करे नैक ना कहो करे सीख सिखा रहो अपनी सी सीख सिखा रहो अपनी सी दुर्मत ते ना करे दुर्मत ते ना करे यह मन यह मन नैक ना कहो करे यह मन नैक ना कहो करे मधुमाया के भया बावरा मधुमाया के भया बावरा हर जस नह उचरे हर जस नह उचरे यह मन नैक ना कहो करे यह मन नैक ना कहो पर पंच जगत का देखे कर पर पंच जगत का
के अपना उदर भरे अपना उदर भरे Yeah.
यह मन नेक न कहो करे यह मन यह मन नेक न कहो करे सीख सिखाए रहे हो अपनी सी ना कहो करे सीख सिखाए रहे हो अपनी सी दुर्मत ते ना टरे दुर्मत ते ना टरे मधु माया के भयो बावरा यह मन मधु माया के भयो बावरा हर जस ने उच्चरे यह मन हर जस ने उच्चरे हर जस सुने ना हर गुण गावे बात नहीं असमान गिरावे ए मन हर जस ने उच्चरे हर जस ने उच्चरे कर परपंच कर परपंच जगत को डके कर परपंच कन्न मुसल्ला कन्न मुसल्ला सूप गाल दिल काती दिल काती गुड़वात मथे टिका मथे टिका धेड़ धोती कखाई हाथ छुरी दिल काती हाथ छुरी जगत कसाई दिल काती गुड़वात अंदर छुरी ते बातां गुड़ वर्गियां मिठियां दिल काती गुड़ बात बाहर दिसे चानना कर परपंच जगत को डेके बाहर दिसे चानना
दिल अंधेरी रात कल पर पंच जगत को डेके अपनो उधर बहरे अपनो उधर बहरे स्वान पूछ जो होए न सुतो मन दी हालत गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दा पिछले हफ्ते दा शब्द सी बिरथा कहूं कौन स्यों मन की दुनिया दे लोगो मैं मन दे दुख मन दी कहानी किन्नू सुनावा बड़ा परेशान मन बिना मेरा गुजारा भी नहीं एक ख्याल करियो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी बाणी दा जदो निरीक्षण करना ता उन्होंने दुख दी नबज ते हाथ धरिया है मन जीवन दी सब तो कीमती चीज है मन ही तो मिलिया गुरु ने बाणी विच आख्या एक बाबा कबीर जी ने मन ही मन को कहे कबीरा मन सा मिलिया न कोय मन वर्गी कोई चीज नहीं पर केडी अजीब गल है जिंदे बिना एक पल नहीं गुजरता पिछले दिन विच आ चुका है जिस बिना जीवन का कोई पहलू भी साबित नहीं सफल नहीं हर कदम ते मन दी लोड़ है मन जरा आसे पासे चला जाए मन नालो संबंध टूट जाए ओ ही काज असफल हो जाता है इन्हें मन ला के नहीं कीता इसलिए असफल होया ते सब तो वड्डी परेशानी भी मन दी है जीवन विच सब तो कीमती चीज भी मन है कि सब तो वड्डी परेशानी भी इस दी है क्योंकि इन्ना बलवान हो गया है इन्ना ताकतवर हो गया है इन्ना शक्तिशाली हो गया कि अमोड़ हो गया अमोड़ हो गया पिछले दिन में एक लाइन आई सी मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उद्मादा इन्ना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि किसी की गल ही नहीं सुनता जिंदे बिना सरे भी ना वो हर वक्त का जीवन साथी होवे उन्दे ते जीवन निर्भर होवे ते फिर वो इन्ना अमोड़ हो जाए कि उन्दे नाल सांझ भी पैदा करनी औखी हो जाए गल ही ना सुने ते फिर परेशानी तो होंदी है ये दुख वाली गल है इसलिए पिछली बार शब्द आया बिरथा कहो कौन से मन की मैं अपना दुख मन दी बिरथा मन दी कहानी किन्नू आखा बड़े दुखी है ना मैं इंदे बिना मेरा गुजारा है ना इंदे बिना मेरा कोई काम सफल है इनू मैं छड़ भी नहीं सकता ते इंदा मेरा संबंध भी नहीं बन रहा मैं यो गल देखना गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने मनुख दे जीवन दी कहानी नू टच कर दिया
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਔਕੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੌਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਖੇਡ ਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸੌਖੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਇਹ ਮਨ ਯਹ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਕਹੋ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕ ਨਾ ਕਹੋ ਕਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੰਧੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪੱਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖੜ ਖੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਕਈ ਦਾ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੜ ਖੜ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜ ਖੜ ਵੱਲ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੀਦਾ ਸਾਂ ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਧੇਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਂ ਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਆ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ।
आखन सुन ना पौन की बाणी एह मन रत्ता माया मद माया के भयो बावरो एह मन रत्ता माया अके जाके एक गल कहते ती कर रखे पंज कर साथी नौ शैतान मत कट जाई जे असी सुनने भी आ ना ता इसलिए कि सानू लोग धार्मिक समझन फलाना तो रोज गुरुद्वारे जाता है रोज गुरुद्वारा मेरे अपनी हड बीतियां भी नहीं मेरे पित्र एक बार असी रात दी ट्रेन ते लुधियाने तो दिल्ली आ रहे ते वो ट्रेन रात 11 बजे पहुंचती है 11:30 वो वीर उतरदा कहंदा जी आप बंगला साहब तो होके चलना क्योंकि मेरा अज दा नितनेम रह जाना है रात नूं 11 बजे भी बंगला साहब जाण दा इच्छा है जाण दी इच्छा है वो नितनेम है पर जीवन अंदर गुरु दे दरबार विच जाण दा असर की है वो एक वक्री चीज है गुरु ने बाणी विच आख्या कहन लगे ती कर रखे पंज कर साथी तू ती दिन दे रोज ही रख लै हे ब्रह्म हे काजी पंज नमाजा भी पढ़ लिया वह भी आपके साथ विच जोड़ के रखिया भी मैं पंज नमाजा जरूर पढ़ना ये 30 रोजे जरूर रखना बल्कि बाबा कबीर जी का एक होर शब्द है उन दे विच लफज ने ब्रह्मन ग्यास करे 24 ब्रह्मन ने आख्या जे 24 एकादशियां दा वर्त रख लें तू धर्मी है धर्मी होएगा लोग आखन भी हर एकादशी नू वर्त रखदा ते काजी ने आख्या जे तू रमजान दे महीने विच रोजे रख ले ओ ही वर्त ही है जे रमजान दे महीने विच रोजे रख लवेंगा तू मुसलमान है ओ कहंदा जे 24 एकादशियां दा वर्त रखेगा हिंदू है ओ कहंदा जे तू 30 दिन दे रोजे रमजान दे महीने रोजे रख लेंगा तू मुसलमान है बाबा कबीर जी ने एक ख्याल दिता अगली लाइन विच कहन लगे ब्रह्मन ग्यास करे 24 काजी में रमजाना काजी ने आख्या रमजान का महीना ते बाबा कबीर कहन लगे 11 पास कर रखे है साल विच तां 12 महीने ने तू 11 महीने एक पासे रख दिते तू आख्या बड़ा सस्ता सौदा 1 महीने च मिल जांदा धर्मी तां मैं 1 महीने च बन गया 11 महीने उन्हूं याद करन दी लोड़ ही नहीं उन्दे पक्ष विच उन्दे नाल सांझ रखन दी लोड़ नहीं 1 महीने विच सारा कम चल जाण बड़ा सस्ता सौदा है पर इसलिए तू ये कीता ताकि मेरे नाल नाल किते शैतान दा संबंध ना जुड़ जाए भी ये शैतान दा चेला है लोग आखन नहीं ये भगवान दा खुदावंद दा चेला है इन्हें रमज़ान दे महीने च रोज़े रखे ने कि 24 एकादशियां दा वर्त रखे है मैं अपने नाल नालों शैतान दा ना कटना चाहना भगवान दा ना जोड़ना चाहना लो इसलिए मैं रमज़ान दे महीने विच रोज़े रखे ने इसलिए मैं 24 एकादशियां दा वर्त रखे मैनू लोग धार्मिक समझन लग पे कहन लगे ती
ही कर रखे पंज कर साथी। मैं 30 दिन दे रोजे भी रखे ते पंज नमाजा भी अपने साथ नाल अपने जीवन नाल जोड़ के रखिया। क्यों ना शैतान मत कट जाए। मैं तो आपके नो शैतान का ना कटना चाहना। मैं लोग धार्मिक आख आख कि नास्तिक ना आखन लग पे। इसलिए मैं आस्तिक अखवाण लिए केवल धर्मी अखवाण लिए सब कुछ करना। यह गल मन दी करदे हां गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आखी कहन लगे कर पर पंच जगत को डेके। संसार नू धोखे विच रखदा है यो जे परपंच करके ये सारे परपंच बन गए। जे तू ये नहीं समझिया कि कलमा की है नमाज की है निरा नमाज पढ़दा रहे हो पांच वक्त नमाज गुजारे पढ़े किताब कुराना सब कुछ करें पर ये नाम समझें दे विच की है। तू सवेरे जपजी साहब का रोज पाठ करें पर ये ना समझे कि मूल मंत्र विच की है। उनका तो आराम भी एक क्यों ओंकार है तो तू अजे तक एक नाल जुड़े ही नहीं। तू एक क्यों ओंकार का लफज ही नहीं पछाणिया तो रोज जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं। पिछली दिन चर्च की थी हुण दे समय अंदर मनुख हर एक चीज नू मानन तो पहला जानना चाहता है। तो मैं एग्जाम्पल दिती सी पुराने समय अंदर हकीम पुड़ी विच पा के दवाई दे देंदे सन उहदे उत्ते कुछ नहीं सी लिखिया हुंदा मनुख आ जांदा सी। खद्दर दे कपड़े सन कुछ नहीं सी लिखिया हुंदा खा जांदा सी। अज हर मेडिसन की एक टेबलेट ले लो कि तू उनके नाल भी संबंधित लिखा होया मिलता है भी इन दे विच केड़े केड़े साल्ट ने इन दे की फायदे ने की नुकसान ने सब कुछ लिखा होंदा है। मनुख चाहता है इसे नू एडवांस संसार कहिंदे ने ना क्योंकि इस एडवांस संसार विच मनुख चाहता है कि जिहड़ी चीज़ मैं वरतां उनके बारे मैनू जानकारी हो मैनू पता हो की है। कपड़ा लैन जाए तो हर मीटर से हर गज से लिखा होनी टैटरन है इन्नी इन कॉटन है पता हो मैं की खा रहा पर केडी अजीब गल है। जब जी सब रोज करी जाता इनू पता ही नहीं इन की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब नू रोज मत्था टेकी जांदा इनू पता ही नहीं इंदे विच की। ओ सतगुरु अपनी रसनतवार आख रहे ने अपराधी ढूंढना निवे अपराधी ढूंढना निवे जो हंता मिर गाय शीश निवाए क्या थी है। इन पता ही नहीं मैं मत्था क्यों टेकना है इन पता ही नहीं जपजी क्यों पढ़ना है इन पता ही नहीं सुखमणी विच की है इन दे विच की है। तो सतगुरु यो गल बाणी विच समझा रहे हैं कहते मैं ये गल मन समझाने की कोशिश की भलिया बिना पछाने जो काम किया जाए वो मन संसार अंदर एक पखंड है क्योंकि तू कम कर रहा तेन पता ही नहीं की है। तो सतगुरु ने बाणी में आख्या कर पर पंच जगत को डेके। धर्म दे काम तू इसलिए करना है कि दुनिया के लोग मैनू धर्मी आखन ये धोखा है।
जे तू अखवाण लई करना ना भुलेखा पाउण लई करना तां तां होर पखंड की है। कर परपंच जगत को डके अपनो उधर भरे। हाँ ये गल ठीक है कि तू संसार नाल धोखा करके अपना पेट भर रहे है, ये तेरी बिजनेस है, ये तेरा व्यापार है। आज धर्म एक व्यापार बन के क्यों रह गया है? इत्थे हर एक चीज़ का अखंड पाठां का कीर्तन का हर एक चीज़ का मुल क्यों पै गया है? क्योंकि व्यापार है। तो व्यापार की हुंदा, मैं एक बार की सी व्यापार की सब तो वड्डा ट्रैक्ट है कि देना थोड़ा पवे तो मिले ज़्यादा, कीमत ज़्यादा तो ज़्यादा मिले, वस्तु घट तो घट देनी पवे। तो गुरु ने यो गल पानी बाणी में आके कहन लगे, कर परपंच जगत को डके कर परपंच जगत को डके अपनो उधर भरे। बड़ा समझाया पर कहन लगे इन्ना अमोड़ है हुण इत्थे लफज मैं एक बार की सी स्वाण नू चंगा भी आख्या। हर एक दे गुण अवगुण का कोई लिहाज नहीं किया गुरु ने, उन्दे अवगुण भी नशर कर दिते ने, उन्दे गुण भी नशर कर दिते ने। इनू कहिंदे ने इमानदारी, इंसाफ। जिहड़ी स्वाण विच गुण सी वह मुखातब करके भी आख दिता कि भलिया जे भगती दा तरीका सीखना तो स्वान कोलो कुत्ते कोलो सीख। स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक ए बिदहाज भजो उनका गुण भी दस दिता, नानक ए बिदहाज भजो ते उनका औगुण भी दस दिता, द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलित कोई लिहाज नहीं। ओ पढ़ियो जे इन्हां दा लिहाज नहीं तो सिख दे नाल सिख लफज नू नाल जोड़न नाल गुरु ने लिहाज नहीं जे करना, लिहाज नहीं करना। इसलिए गुरु ने आख दिता, कहन लगे सच्चा सतगुरु क्या करे जो सिखा मैं चूक, सच्चा सतगुरु क्या करे जो सिखा मैं चूक। अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाए फूक। जेड़ा गुरु की गल ही ना सुने उनका असर ही ना कबूले, बाणी पढ़े पर असर ना कबूले। ते एग्जाम्पल दिते ने कहने ज्यो बांस बजाइए फूक, जिमें बांस की पोरी जिहड़ी है उनके एक पासों फूक मारो दूजे पासे निकल जाता है। भाई गुरदास जी ने भी एक थां बड़ी खुशबू कहन लगे बसा गन्ने ते वांस विच फर्क की है? गन्ना रस नाल भरिया गया ते वांस विच कुछ भी नहीं, हालांकि गन्ना जेड़ा है वो छोटा है, वांस बड़ा उच्चा जांदा है। वांस बड़ा ही बूढ़िया, यूं मत बूढ़ो को है चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। गन्ना जेड़ा है वह रस नाल भरिया गया क्योंकि अंदरों खोखला नहीं ना, गन्ना अंदरों खोखला नहीं, अंदर रस नाल भरिया होया, उनके अंदरों रस चुंदा है बाहर नहीं। गन्ने के बाहर रस नहीं, गन्ने के अंदर रस है, सब कुछ तो अंदर है पर इस दे उल्ट वांस दे अंदर कुछ भी नहीं, वांस दे अंदर कुछ नहीं। भाई गुरदास ने बड़ी खूबसूरत गल कही, कहिंदे जदों मैं बांसरी वजदी वेखना ना मैनू उनकी आवाज़ विच बड़ा दर्द नज़र आउंदा है।
बांसुरी की आवाज़। लोग बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी जी बांस तो बनती है, ता ही आता ना बांसुरी, सुर किया हो बांस बांसुरी। भाई साहब कहते हैं जो मैं उनकी आवाज़ सुनना मैनू बड़ा दर्द महसूस होता अंदर। मैं पूछया बांसुरी को तेरे आवाज़ में इन्ना दर्द क्यों है, कहती मैं रो रो के कहनी हाँ मैं अंदरों सखनी रह गई, इस वास्ते मेरी आवाज़ दर्द है। गुरु ने वो गल बाणी आके चाकी, कह लगे जेड़ा सिख बाणी पढ़ के सुन के अंदरों वास दी तरह कढ़ के चला जाता है, उन्हों अपने अंदर थान नहीं दिंदा, उन्दे अंदर रस नहीं पैदा हुंदा, विश्वास करो उन्दे जीवन वास वर्गा हो जाता है। फैसला मेरा नहीं जी, ये गुना मैं नहीं कर सकता, फैसला मेरे गुरु दा है। बाबा कबीर जी दा है, कहन लगे अंधे एक ना लग गई ज्यो बांस बजाया फूक, सतगुर सच सचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। क्योंकि ओहो ही चीज ओहो ही कर्म जिहड़ा धर्म दे नाम थले कर रहा है, जे तू उन्हूं समझ नहीं रहा विश्वास कर फिर वो परपंच है संसार नूं धोखा करन लई, दुनिया नाल धोखा करन लई। इहो गल सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इस लाइन विच आखी ते कहन लगे घर पर पंच जगत को डके घर पर पंच जगत को डके अपनो उधर भरे यह मन नैक ना कहो करे। समझाया भी नहीं समझदा, जेड़ी गल जेड़ा औगुण स्वान विच है उथे इथे ओ एग्जांपल दिंदे ने स्वान पूछ जो होए ना सूदो, जिवें स्वान दी कुत्ते दी पुछल पुछल किसी ने बंजली विच पा के रख ली भी खोरे हो सकदा कुछ समय बाद ये सिद्धी हो जाएगी, जदों कढ़िया वेखिया फिर विंगी दी विंगी। ये फैसला ये एग्जाम्पल गुरबाणी विच है, गुरु कहिंदे ने स्वान पूछ जो होए न सुधो। कहन लगे एहो हालत मन दी कहो न कान धरे। मैं इनू बड़ा कहा बड़ा समझाया पर इन्हें हिरदे विच थान नहीं दित्ती। गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे मन तू मत मान करे मन तू मत मान करे जे हो किछ जानदा गुरुमुख निमाना हो गुरुमुख निमाना हो अंतर अज्ञान हो बुद्ध है सच शब्द मालिक हो निमाना सतगुर आगे होया। जे गुरु अगे निमाणा हो जाता अज गुरुद्वारों में डंगा नहीं चलदिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के दरबार में बैठ के असी ये गल भुल जाने कि सतगुरु प्रतख रूप में बैठे ने, सतगुरु दे प्रतख हर मूर्त जो अमृत बचन सुनावे, अमृतमयी बाणी सामने पढ़ी जा रही है, सतगुरु प्रतख रूप विच बैठा है पर तेनू दिसदा नहीं तेनू विश्वास नहीं।
गुरु ने यो गल बाणी विच आखी कहन लगे हो निमाना सतगुर आगे मत किछ आप लिखावे उथे अपना अपना जितला मैं भी हां मत किछ आप लिखावे अपने अंकार जगत जलया अपने अंकार जगत जलया मत तू अपना आप गवावे सीख सिखाए रहो अपनी सी सतगुर के बाने करें कार सतगुर के बाने लाग रहो यूं कहे नानक ये मन नैक ना कहो कर यूं कहे नानक आप छाड़ सुख पावे यूं कहे नानक यूं कहे नानक उपदेश जो दिता सतगुरु सो सुनया सिखी कन्ने यूं कहे नानक आप छाड़ सुख पावे समझा रहे हैं गुरु पलिया इत्थे अपना आप छाड़ दे फिर सुखी होएगा आप छाड़ सुख पावे मन निमाना होए रहो मन निमाना होए रहो पर होया कि यह मन नैक ना कहो करे मैं कहंदा रहा फलिया जो गुर कहे सोई पल मनो मन जा जिहड़ी गल गुरु आखदा है मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता झोला तरीका दस रहा गुरु गुरु आखदा है मन मेरे अनदिन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै गुरु तो समझांदा है अपनी खेती रख लै गूंज पड़ेगी खेत मन मेरे सतगुर के भाने चल आप रोज सुनने पढ़ने मन मेरे सतगुर के भाने चल फिर की होएगा निज घर वसे अमृत पीवे निज घर वसे अमृत पीवे ता सुख लहे महल पर हो की रे गुरु कहंदे ने यह मन नैक ना कहो करे यह मन नैक ना कहो सीख सिखा रहो अपनी सी सीख सिखा रहो अपनी सी दुर्मत ते ना ते
जय मन नकना कहो करे जय मन नकना कहो करे मन बिना गुजारा भी नहीं मन दी परेशानी है जिंदगी उस दिन लफज आए सन ये जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने धर्म खेतर है सारा मन समझावन कारण है कछुए के पढ़िए ज्ञान है क्यों क्योंकि जिन्नी देर मन नहीं समझदा उन्नी देर कोई काज भी सफल नहीं होता ते गुरु समझान मन नू समझान दी गल करता है सतगुरु ने बाणी विच क्यों आख्या है भाई रे इस मन को समझाए मन नू समझा गुर समझावे सोजी होए दे गुरु समझा देवे हो सकता है कुछ सोझी आ जाए अजे तक गुरु भी समझाता है तो असी सुन के बांस की पोरी वागू कट दें सोझी की आवे यो कारण जप जी पढ़ने पर जप जी जानते ने मूल मंत्र पढ़ने पर मूल मंत्र जानते ने मत्था टेकने पर मत्था टेकना जानते ने सो गुरु बख्शिश करे सानू समझा देवे सानू समझ पै जाए ताकि जीवन सफल हो जाए इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की